शिकायत स्वीकार करें और हमारे बच्चों को सलामत रखें। खाने की जरूरत हमसे ज्यादा तुमको है। व्रत भले निर्जला है पर काम सारे करने हैं और सारे काम तुम्हें ही करने हैं। तुम कुछ खा बेटे, मुझे तो आपको देखकर ही मत आ जाती है। आप इस उम्र में भी अदित जी के लिए इतना कठिन व्रत रखती है। पता है बेटा, इस व्रत में बहुत शक्ति है। पुराण के अनुसार जो माता है अपने संतान की भलाई के लिए ये जीवित पुत्रिका का व्रत रखती है, उनके संतानों के जीवन में कभी कोई संकट नहीं है, सारी बाधाएं दूर रहती है। आज हमने जीवित पुत्रिका का व्रत रखा है और इस व्रत के हिसाब से मतलब माताएं अपने संतान की लंबी आयु और उनसे कभी दूर ना जाना पड़े या उनके जीवन में कष्ट ना आए, कोई तकलीफ ना आए, खुशी खुशी बच्चों का जीवन बीते। अगर बच्चे खुश हैं तो माता खुशी है, तो उनकी खुशी के लिए निर्जल व्रत रखा जाता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं और मंगल पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन निर्जल रहना है, खाना पीना तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता, तो दही पोहे एक दूसरे को खिलाते हैं। तो मंगल मेरे लिए दही पोहे लेकर आई है और बोल रही है कि अम्मा आप खा लीजिए, क्योंकि आप इतना कठिन व्रत कर रही है इतनी उम्र में भी। तो मैं बोल रही हूँ कि बेटा व्रत तो तुम भी कर रही हो, बिकॉज तुमको तो घर का सारा काम करना है, सब कुछ देखना है, ऊपर से व्रत भी है। तो हम दोनों ऐसा करके एक दूसरे को खिलाते हैं और यहीं मैं साथ साथ में व्रत करते करते मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि हे माता रानी, मेरे पुत्र को अदित को लंबी आयु दे और साथ साथ में सद्बुद्धि भी दे। वो समझ ले कि परिवार की रिश्तों की मर्यादा क्या है, उसकी अहमियत क्या है, और वापस परिवार में लौट जाए, सौम्या को भूल जाए और सब कुछ ठीक ठीक हो जाए। बस माता रानी को प्रार्थना की है, देखिए अब माता रानी सुन ले। और भी कई जरूरत कोई अगर ऐसे कुछ सुनाना चाहेगा? हालांकि हमारे सारे व्रत के पीछे कोई ना कोई कथा कहानी होती ही है और कोई इंसिडेंट होता है जिस वजह से उस दिन का महत्व हो जाता है या उस दिन के लिए जाना जाता है कि हम क्यों व्रत करते हैं। तो ये जीवित पुत्रिका का व्रत भी ऐसा ही है कि एक बार संतान की रक्षा के लिए ही जब उनके ऊपर कष्ट आए थे और उस वही पर्टिकुलर डे था, तो उस दिन व्रत रखा था और कष्ट में से मुक्ति मिली थी। हालांकि वो कथा बहुत लंबी है इसलिए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, लेकिन ऐसे और भी पुत्र को लेकर बहुत सारे व्रत हैं जो जीवित पुत्रिका के व्रत की तरह और भी व्रत है जो संतानों के लिए रखा जाता है, और भी बहुत सारे व्रत हैं जो हम अलग अलग तरीके से रखते हैं। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पढ़े बहुत सारे व्रत हैं पर हाँ, हमारे सारे व्रतों के पीछे कुछ ना कुछ कारण है।